रेलवे एलपी सैको की तैयारी आप सब लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर क्या है लेटेस्ट पैटर्न और किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लेटेस्ट पैटर्न की और किस तरीके से आपका मेरिट बनेगा एएलपी का, उसके बारे में पूरी बात करूंगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक तरह के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि आपका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा अंत में मैं आपको बात करूंगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम के समय आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरिट आखिर किस तरीके से यहाँ पर निकाला जाएगा, लिस्ट कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपके जो रेलवे की दो एग्जामिनेशन है, पहला है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसमें आपका एनटीपीसी का अभी फॉर्म आया है वो, और दूसरा है एएलपी जहाँ पर आपसे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लिया जाता है, और यहाँ पर तीसरा जो स्टेप होता है वो आपका होता है साइकोलॉजी का। यहाँ पर साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 8 गुना बच्चे जो हैं वो एएलपी के लिए आपके क्वालिफाई कराए जाएंगे फॉर द साइको पर्पस। उसमें जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा पार्ट ए और साइको के आधार पर, जहां पर पार्ट ए में जो आपने स्कोर किया है उसका 70% और साइको का लिया जाएगा 30%, उनको जोड़ा जाएगा। तत्पश्चात जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट डिजाइन की जाएगी, डिफाइन की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, देन आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी। तो याद रखिएगा 70+30 के आधार पर आपकी मेरिट जो है वो बनेगी, और एनटीपीसी के लिए भी यहाँ पर साइको जो है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल एएलपी साइको की। अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आखिर क्या होना चाहिए। तो ये जानिए कि आपसे पूछा जाता है टोटल 5 टेस्ट बैटरी, दैट मींस आपके पास 5 सेक्शन में एग्जामिनेशन आएंगे। ओवरऑल जो आपको चाहिए वो चाहिए 42% नॉर्मलाइज टी स्कोर, जिसे एनटीएस कहते हैं। यहाँ पर 42 का मतलब ये है कि 42 नंबर नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके आधार पर आपका जो मार्क्स आना चाहिए टोटल वो 42 आना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे जो 5 टेस्ट बैटरी यहाँ पर पूछी जा रही है उन सभी में अलग अलग भी आपको 42% का नॉर्मलाइज टी स्कोर चाहिए होगा। दैट मींस यहाँ पर ये बात आपको डिफाइंड रखनी चाहिए कि जितना भी आपके टेस्ट बैटरी है वहां पर इंडिविजुअल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ, दैट मींस आपको 42, 42, 42, 42, 42, 42 ये पांचों में लेके आना है। और उसके अलावा जो टोटल बने वो भी कितना बने आपका 42% का टी स्कोर बने। और जो अगला मेन पॉइंट यहाँ पर है कि सभी को ये 42% मार्क्स लाना जरूरी होता है। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं है कि एससी का इतना चलेगा, एसटी का इतना चलेगा। आप किसी भी कैटेगरी या वर्ग से आते हो, आपका जो टी स्कोर होगा वो होगा 42%। दैट मींस कि आपको 42% लाना यहाँ पर अनिवार्य है, और ये होगा आपका एनटीएस या नॉर्मलाइज टी स्कोर। अगली बात जो यहाँ पर मेन है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ये समझिए कि आपका जो जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसमें काफी त्वरित निर्णय करने पड़ते हैं। आपका जो यान है, जो आपकी गाड़ी है वो बहुत तेज चल रही है, दैट मींस आपकी गाड़ी जो है वो एक मान के चलिए एवरेज स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से आप लगातार वहां चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही कम समय होता है किसी भी चीज को देखने का। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम हुआ कि कैसे आपको डिसीजन लेना है कि अरे ब्रेक मारना है नहीं मारना है, ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए आपका साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आप डिसीजन ले सकें, यही इसका मेन एम होता है। इसीलिए यहां से आपको पता चलता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितना जल्दी त्वरित निर्णय जो है वो ले सकते हैं, कितना जल्दी चीजों को आप मेमोराइज कर सकते हैं, ये सब बातें वहां पर जरूरी होती हैं। देन यहां पर एग्जाम को हल करने के लिए आपकी मेमोरी की चेकिंग होती है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आपका साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है, कितना जल्दी आप डिसीजन लेते हैं, तर्क कितना अच्छा करते हैं, और उसका जब आप परीक्षा पास करते हैं तत्पश्चात आपकी जॉब जो है वो लग जाती है। उसके अलावा जो रेलवे है उनको क्या फायदा होता है, यहाँ पर जो लोग साफ वहां पर पास हो रहे हैं एग्जामिनेशन में उनका जॉब के साथ कितना सिंक्रोनाइजेशन है ये डिफाइन होता है, और जैसे लोग एएलपी के लिए चाहिए वैसे लोग उनको साइको टेस्ट के बाद मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, दैट मींस आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, उसके बारे में भी रेलवे जो है वो जान लेता है, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग करवाता है कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एकदम फिट हैं, आप अब जाइए और अपने जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए। तो यही उद्देश्य होता है यहां पर इस परीक्षण का।
अब जान लेते हैं कितने टाइप की टेस्ट बैटरी होती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में ही बात करेंगे, आने वाले स्लाइड्स में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जानिए कि टोटल होती है 5 टेस्ट बैटरी और सबके लिए अलग अलग टाइमिंग जो है वो दिया रहता है। ये सब डिटेल में आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो 5 टाइप की बैटरीज है उसमें पहला होता है वो होता है मेमोरी टेस्ट या स्मृति परीक्षण। यहाँ पर जो अगला होता है आपका वो होता है पर्टिकुलरली फॉलो डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण। देन तीसरा है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। चौथा है कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं एकाग्रता परीक्षण। और पांचवा जो है वो आपका है परपेचुअल स्पीड टेस्ट या प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। यहाँ पर ये 5 टेस्ट बैटरी होती है, उनके सबके अलग टाइमिंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके डिटेल में कि कैसे एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको यहाँ पर कई ऐसी बातें बताऊंगा, कई ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन जो है वो काफी अच्छे से निकल जाएगा। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है आपका मेमोरी टेस्ट का। यहाँ पर आप कितनी जल्दी चीजों को याद रखते हैं उसके बारे में आपको डिफरेंट सेट्स दिए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, चित्र याद करिए, देन वो पृष्ठ पलट जाएगा और फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट जहाँ पे आपको उत्तर भरना है, उत्तर पत्रक आ जाएगा, वहां पर आप इसको फिल करिए और आपको देखिए कि आपको कितना चीजें यहाँ पर याद रखी है। याद रखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, इसलिए बेफिक्र होकर अपनी मेमोरी को ध्यान में रखिए और उसको वहां पर इम्प्लीमेंट करिए। इसमें कई ऐसे सेक्शंस हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि कोई एक ही स्मृति परीक्षण यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर 2-3 स्मृति परीक्षण जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपको सड़क का नक्शा और इमारत पर आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपको सड़क का एक नक्शा दिया जाएगा, उस सड़क के नक्शे पर आपको ढेर सारी इमारतें और जगहों के जो है वो नाम दिए जाएंगे। इन संरचनाओं को आपको कुछ समय के लिए याद करना पड़ेगा। तत्पश्चात जब आपका उत्तर पत्रक यहाँ पर आ जाएगा तो उत्तर पत्रक आते ही आपको उन इमारतों को सही जगह पर इंगित करने कहा जाएगा। एग्जाम्पल मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 सेट आपसे पूछे जाएंगे, दोनों सेट में होंगे 12-12 क्वेश्चन या 12 चित्र होंगे, इनको स्थान सहित याद करिए। उसके लिए आपको दिया जाएगा 2 मिनट और जब आपके सामने उत्तर पत्रक आ जाएगा तो वहां पर उन्हीं स्थानों पर आपको इन 12 चित्रों को प्लेस करना पड़ेगा। तो पहले सेट के लिए भी आपको 2.5 मिनट चित्र को वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा और अगले के लिए भी आपको 2.5 मिनट जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आएंगे 24 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 12 और 12 के सेट में। तो ये जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका स्टडी मैप जो है वो दिया हुआ है। स्टडी मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड साइड जो है वो डिफाइन है। रोड साइड में आप देखिए ये चित्र है, ये चित्र है और ये चित्र है, ये आपको चित्र दिया हुआ है। अब जब ये आपको चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो मकान नीचे आपको दिख रहे हैं उन मकानों की संख्याओं को आपको याद करना है कि किस तरीके से उस अक्षर पर आपको प्लेस करना है। तो फिर नक्शे में उस स्थान की स्थिति बताता हुआ ये आपको अक्षर यहाँ पर दिख रहा होगा ACBDE। आपको 5 प्लेस यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको इस जगह पर घर दिख रहा होगा, एक ये एक ये एक ये। तो अब आपको दिखना है कि पहले नंबर पे ये घर है, इसका प्लेस कहाँ है, तो ए हो गया। इसका प्लेस जो आपको ऊपर घर दिख रहा है उसका प्लेस कहाँ है, तो ये आपके लिए सी हो गया और इसके लिए क्या हो गया, बी हो गया। दैट मीन्स कि आपका जो 1, 2, 3 है उसका जो क्रम है वो ए सी बी है और यही आपको वहां पर इंगित करना पड़ेगा जो आपके पास उत्तर पत्रक आएगा। तो यहाँ पर आपको एक आपको नक्शा दिया गया है सड़क का, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ इमारत जो है वो वहां पर डिफाइन है और देन उत्तर पत्रक में आपको सेम जगह पर वही मात आपको दिखाना है, दर्शाना है, जिससे आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको आंसर प्लेस करने के लिए केवल और केवल 2.5 मिनट का ही समय जो है वो दिया जाएगा। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है स्मृति परीक्षण में कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है वो चित्र अंक स्मृति परीक्षण। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसके बगल में एक अंक दिया जाएगा, इसको आपको याद करना है। तत्पश्चात आपको उत्तर पत्रक पर जाने को दिया जाएगा, जहां पर चित्र लिखा होगा उसके बगल बगल ढेर सारे नंबर्स लिखे होंगे। आपका जो चित्र के बगल नंबर लिखा था वही नंबर वहां पर आपको प्लेस करना रहेगा। एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 21-21 प्रश्नों के 2 सेट रहेंगे, जिसमें आपको 3 मिनट याद करना और 3 मिनट उसको इंगित करने के लिए दिया जाएगा। तो सेम चीज दूसरे के लिए भी यही आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा आपसे आपको मिलेगा 42 क्वेश्चन।
22 क्वेश्चन मिलेगा आपको 21 21 के सेट में। यहां पर 3 मिनट याद करना, 3 मिनट इंगित करना, यहां पर भी 3 मिनट याद करना, 3 मिनट इंगित करना, ये यहां पर आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल के फॉर्म पे। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर देखिए, जैसे ये फावड़ा दिया है, इसके बगल में 75 अंक लिखा हुआ है, तो ये आपको याद करना है कि फावड़ा है 75 है। सेम चीज यहां पर देखिए, प्रेस के बगल में 22 लिखा हुआ है, जार के बगल में 64 लिखा हुआ है, अंगूर के बगल में 28 लिखा हुआ है, टॉर्च के बगल में 93 लिखा हुआ है, और इस बुक के बगल में 17 लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको ये आपको याद कर लेना है सारा चित्र में उसके बगल कौन कौन नंबर दिया हुआ है। देन 3 मिनट बाद ये हट जाएगा आपके पास, अगला 3 मिनट आएगा 21 क्वेश्चन के लिए। ऐसे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में चीजें वहां पर मिलेंगी, इस तरीके से आपको मिलेगा। देन ये टॉर्च है, टॉर्च के बगल में देखिए 93 था, तो आप बी को इंगित करेंगे, 93 है। अच्छा, अगला प्रेस है, प्रेस के बगल में 42 लिखा हुआ है, तो आपको 42 लिखना पड़ेगा। इसका जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, तो ध्यान से हमें फॉलो करते रहिएगा। जार के बगल में क्या है, 64 है। बुक के बगल में क्या है, 17 है। देन अंगूर के बगल में 28 है, और फावड़े के बगल में आपका 75 है। तो ये आपका आंसर बन गया। तो दैट मीन्स आपको 3 मिनट में याद करना है क्या चित्र है और क्या अंक है। देन उत्तर पत्रक में जाइए, उस चित्र के साथ जितने भी 4 अंक दिए हैं उनमें जो सही अंक है उसको टिक करना है आपको, और वही आपका आंसर होगा। तो 3 मिनट में आपको करने हैं 21 क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समय यहाँ पर बड़े कम होते हैं, इसलिए आपको काम जो है वो शुद्धता, तेजी और शुद्धता एक साथ लेके वहां पे करनी पड़ेगी। गलती जितनी आप करेंगे उतना आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताऊंगा टिक्स कैसे कैसे आप इस चीज को याद कर सकते हैं। अगला जो है वो है आपका चित्र स्मृति परीक्षण। यहाँ पर भी 12 12 चित्र के 2 सेट होंगे, जिन्हें आपको 2 मिनट के अंदर याद करना है और 2.5 मिनट के अंदर उसे इंगित करना है। दैट मीन्स 12 क्वेश्चन प्लस 12 क्वेश्चन, इसके लिए 2 मिनट याद करना प्लस 2.5 मिनट इंगित करना, यहाँ पर भी 2 मिनट याद करना प्लस 2.5 मिनट इंगित करना, ये आपको दिया जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक चित्र ये है, एक चित्र ये है, एक चित्र ये है, ऐसे 12 चित्र आपको मिलेंगे वहां पर, इन्हें ध्यान से देखिए। देन यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको 5 आकृतियां मिलेंगी, इनमें से कौन सी आकृति सही है उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तो यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, सेम टू सेम है। अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप देखेंगे तो ये 3 गोले हैं, इनके बाहरी सर्किल जहां ज्वाइंट हो रहे हैं वहां पर 3 गोले हैं, तो आपके लिए देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। देन यहाँ पर एक आपके पास रेक्टेंगल है, उसके अगल बगल 2 सर्किल बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल आधा है, नहीं होगा, ये सर्किल नहीं है क्योंकि दोनों कॉर्नर्स पे हैं तो नहीं है। यहाँ पे रेक्टेंगल छोटा है, यहाँ पे रेक्टेंगल लंबा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक्स होते हैं, इसके जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा, और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चित्र वाला जो एग्जामिनेशन है वो पास कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देन जो अगला है वो है आपका फॉलो डायरेक्शन। यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया जाएगा, उस कॉलम और रोज का एक 5 क्रॉस 5 का आपको एक कॉलम दिया जाएगा। 5 क्रॉस 5 के कॉलम में आपको जल्दी से देखना है कि कितने वहां पर कॉलम है, किस अक्षर के बगल में कौन सा है। तो यहाँ पर आपको अक्षरों का समूह देखने को दिया जाएगा, इसी पर आधारित जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर कोई एक आंसर ही आपका जो अंक दिया है उसके बगल में दाएं के बगल चौथा कौन सा है, बाएं के बगल दूसरा कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए दूसरा रो तीसरा कॉलम उसके ऊपर कौन सा अंक है। तो यहाँ पर दिया जाएगा टोटल 10 प्रश्न, और करने के लिए आपके टाइम रहेगा 5। तो ये आपको बहुत ही जल्दी वहां पे कर लेना है, जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये अंक इसके बगल में कैसा आने वाला है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरीके इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका कॉलम है ऐसे, और ये आपकी पंक्ति है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अक्षर जो ए के ठीक ऊपर आता है, ए के ठीक ऊपर, देखिए ए के ठीक ऊपर अक्षर, तो यहाँ तो कोई अक्षर नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ऐसे आपको क्या आंसर जाएगा, बी। उसके बाद पूछ सकता है कि कॉलम 3 रो 2 पे जो अक्षर है उसके दाएं साइड कौन सा अक्षर होगा, दायां अक्षर कौन सा होगा। तो कॉलम 3, ये कॉलम 3 है, ये रो 2 है, तो यहां पर कॉलम 3 रो 2 मतलब बी हो गया, उसके दाएं साइड का अक्षर कौन सा है, तो सी हो जाएगा। या पूछ सकता है दाएं साइड से दूसरा कौन सा होगा, तो डी हो सकता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे जाएंगे। आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन और टाइम रहेगा आपके पास 5 मिनट का। उसे आपको ध्यान रखना है और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला जो है वो है आपका दूरी प्रत्यक्षीकरण। यहां पर आपसे दो टाइप के पूछे जाएंगे। एक टॉपिक में यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, अगले टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा। वो आपका होता है हिडन क्यूब्स का, उसके लिए मैं आपको अलग लेक्चर दूंगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा कि ईंटों की संख्या दे दी जाएगी, ईंटें दी जाएगी, ढेर सारे ईंट के ग्रुप दिए जाएंगे, उसमें ABC ईंट पर लिखा होगा। अब आपको वहां पर गिनना है कि कौन सी ईंट किसको छू रही है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सभी जो ईंट है वो एक ही आकार की होती है, तो सारी ईंटों का जो आकार है वो सेम टू सेम है। यहाँ पर होंगे कुल 50 प्रश्न। अब यहाँ पर आपको जो 5 प्रश्न के 10 खंड होंगे, दैट मीन्स 10 आपके पास अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, उसमें पांच पांच भाग होंगे। मतलब एक एक भाग है उसमें एक फिगर है, उसमें 5 क्वेश्चन, अगला फिगर है उसमें 5 क्वेश्चन, अगला फिगर है उसमें 5 क्वेश्चन, ऐसे पांच पांच क्वेश्चन रहेंगे और 10 खंड आपके पास रहेंगे। समय दिया जाएगा आपको 5 मिनट का, तो आपको यहाँ करना है 5 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से। इसे आपको ये क्यूब दिए, ये आपको ढेर सारे ईंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर पूछेगा कि ए कितने ईंटों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ए देखिए, ए जुड़ा हुआ है, ये सब ईंटों के साइज समान है, तो यहाँ पर एक ईंट ये हुआ, एक ईंट ये हुआ, तो ए का जो बेस है वो डी और ई से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला जो है यहाँ पर वो पूछ सकता है कि जो आपका बी ईट है वो कितने से जुड़ा हुआ है। तो बी देखिए, बी इस लंबाई में गया होगा, बी जब उस लंबाई में गया होगा तो उससे देखिए सी तो साफ साफ टच कर रहा है, उसके अलावा बी जो है वो पूरा ऐसे जा रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पर जा रहा होगा। तो इसे आप ध्यान देखिए, ये जो है बी आगे ऐसे बढ़ रहा होगा। अब बी आगे बढ़ रहा होगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग उससे छू रहा होगा, तो सी भी छुआ और यहां पर आपका डी और ई भी टच किया, तो यहां पर 3 हो जाएगा। सी के लिए देखिए, सी के लिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये बी तो टच करेगा ही करेगा भाई, सी भी इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है, तो यहां पर भी डी टच कर रहा है, इससे ई टच कर रहा है और बी टच कर रहा है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो है आपका डी है। अब देखिए डी, ये रहा डी, डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप ध्यान से देखते समय डी को ये समझ सकते हैं कि डी ऐसे लंबाई में आगे बढ़ा हुआ है, तो ई तो इसी के साथ समांतर चल रहा है, तो ये भी टच करेगा, ए भी इसके साथ टच कर रहा होगा ऊपर से, देन बी भी यहाँ टच कर रहा होगा और सी भी यहाँ टच कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आते हैं ई के लिए, जो 5वां क्वेश्चन होगा वो ई के लिए होगा। ई भी ऐसे ही लंबाई में देखिए आपका जा रहा है, ई जो आपका है वो भी देखिए कैसे जा रहा है, इसी लंबाई में आगे बढ़ रहा है। जब इसी लंबाई में आगे बढ़ रहा है तो ए इसके ऊपर आधार के फॉर्म में है, डी इसके बगल है, सी इसके नीचे, और बी जो ऐसे गया हुआ था वो भी ई के साथ टच कर रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पर ई के लिए भी कितने हो जाएंगे, 4, की ए डी बी सी ये चारों ईट जो है वो यहाँ पर इससे टच कर रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो वहां पर पूछे जाते हैं हिडन क्यूब आपके, सॉरी ब्रिक वाले में। अगला जो है आपका हिडन क्यूब, यहाँ पर छुपे हुए क्यूब्स को आपको बताना है, तो इसके बारे में डिटेल लेक्चर मैं बनाऊंगा, वहां पर आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला जो है वो आपका है एकाग्रता परीक्षण। यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जो पहला जो तरीका आपके पास है वो ये है कि यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे अगल बगल, और वो अंक जो है वो परस्पर समान है कि नहीं इसके बारे में आपको देखना है, फटाफट आपको टिक करना है। तो यहाँ पर अगर है तो आप वाई वाला जो गोला रहेगा, ऐसे वाई वाला एक गोला रहेगा, एक ऐसे एन वाला गोला रहेगा, ये 2 गोले आपके पास रहेंगे। अगर दोनों अंक जो हैं वो मैच करते हैं तो आप वाई वाले को ऐसे सर्किल कर देंगे, और अगर नहीं है तो एन वाले को आपको यहाँ पे भर देना है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड होगा तो वहां पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा 4 मिनट और जो क्वेश्चन करने होंगे वो करने होंगे 96 क्वेश्चन। दैट मीन्स आप देखिए टिक करिए, देखिए टिक करिए, देखिए टिक करिए, यही वहां पर आपको करना है। अगर सेम है तो वाई करिए, नहीं है तो एन करिए। तो अगर यहाँ पर आपको एन भरना है जब दोनों सेम नहीं होंगे, और एक होने पर आप वाई करेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, ये देखिए पहला वाला दोनों बराबर है तो आप इसमें क्या करेंगे, वाई। अगला वाला देखिए अलग अलग है, यहाँ 6 8 है, यहाँ 8 6 है, तो ये हो जाएगा एन। देन यहाँ पर देखिए 3 6 4 6 3 है, 3 6 4 6 2 है, तो ये भी एन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 71
2963 ये भी क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में 52 है, यहाँ पे 62 है, तो ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इस तरीके से आपको वहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे जान लेते हैं और क्या तरीका या और क्या यहाँ पर एकाग्रता के लिए क्वेश्चन पूछता है। अगला जो है वो एकाग्रता मापन में आप ये जानिए कि आपको चार समूह या ग्रुप्स दिए जाएंगे, वहां पर आपको देखना है कि किस समूह में 6 अंक आया है। अगर किसी प्रश्न में एक से ज्यादा में 6 अंक आ रहा है तो वहां पर आपको ई मार्क जो है वो टिक कर देना है। कभी कभी यहाँ पे फाइंड 9 भी पूछ लेता है, 6 पूछने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन 9 के लिए भी तैयार रखिए कि किनमें 9 है। तो अगर किसी भी सेक्शन में आप ये ध्यान रखिए कि आपका 6 देखना है कि 6 कितनी जगह पर ए बी सी डी, चार दिया होगा, चार भी नंबर दिए होंगे, वहां पर देखना है किस में 6 आया है। अगर 2 या 3 में 6 आ रहा है तब आप वहां पर ई टिक करेंगे। एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर टाइम रहेगा 5 मिनट और क्वेश्चन रहेगा आपके पास 75, तो कभी फाइंड 6 और कभी फाइंड 9 दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल में और देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आपसे पूछता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये इस तरीके से दिया होगा ए बी सी डी और ऑप्शन में दिया होगा ए बी सी डी ई। अब देखिए पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो 6 आपको यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो आप क्या मारेंगे बी मार दिए। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे है, तो आप सी मार देंगे, यहाँ भी नहीं है। तीसरे वाले में यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आप ए मार देंगे। अगले वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए 6 है, तो आप यहाँ पर डी मार देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो आप क्या मारेंगे अब ई पे टिक करेंगे। तो इस तरीके से वहां पर आए क्वेश्चन। हो सकता है फाइंड 9 पूछ ले, तो फाइंड 9 जैसे मैं यहीं पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये वाले में आपका फाइंड 1 9 है, यहाँ पर 1 9 है, दोनों में 9 आ गया, तो आंसर क्या मार देंगे आप यहाँ पर ई मार देंगे। अगर कहीं पे केवल एक जगह पर 9 आ रहा है, जैसे यहाँ पर तो ये आपका 6 वाला है, मैं जब आपको डिटेल में बताऊंगा तो वहां पर 9 वाला लेकर भी आपको मैं बताऊंगा तो किस तरीके से वहां पर एकाग्रता आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे लगातार। आइए आते हैं अपनी लास्ट टेस्ट बैटरी में, जो यहाँ पर आपका चेक करता है सिमिलैरिटी टेस्ट की कितना जल्दी आप चीजों को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड आपके बाएं साइड 4 दिए होंगे, दाएं साइड आपको 5 दिया होगा। आपको मैच करना है कि कौन सा अक्षर, कौन सा जो क्रम है बाएं साइड वाला, वो दाएं के किससे मैच करता है। यहाँ पर आपके पास जो आएंगे कुल 72 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपके पास 18 क्वेश्चन उसमें 4 सेट होंगे, 18 फिगर रहेंगे, उनमें से आपको 4 4 फिगर पर उसमें रहेगा। जैसे ये एक पूरा फिगर हो गया, पूरा ये एक ग्रुप हो गया फिगर का, एक ग्रुप ये हुआ फिगर का, इसमें देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही 18 आपके पास फिगर ग्रुप रहेंगे, वहां पर आपके पास यही 4 4 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर आपको 6 मिनट में ये करना है। कितना जल्दी आप शुद्धता से मिलान करते हैं यही यहाँ पर जानने का तरीका होता है। जैसे अगर देखें तो ए मैच कर रहा है इस जगह, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ए यहाँ पर मैच कर रहा है ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना इससे, वो ए से ही मैच कर रहा है। अगला बी, बी जो है वो सी से मैच कर रहा है इस जगह पर। देन आते हैं आप सी पर, तो सी आपका देखिए बीच में और यहाँ पर, तो ये मैच कर रहा है तो ई से मैच कर रहा है। देन डी जो है वो आपका मैच कर रहा है बी से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए का ए, बी का सी, सी का ई और डी का बी। तो यहाँ पर आपका 4 जो है वो सही हो गया। देन आपके सामने अगला फिगर, देन अगला फिगर, देन अगला फिगर, देन अगला, ऐसे फिगर ग्रुप जो है वो लगातार आते रहेंगे और आपको अपने यहाँ पर टिक करना है। तो इस तरीके से आपसे जो है 5 टेस्ट बैटरी जो है वो पूछ जाती है। इस पर डिटेल ट्रिक्स ये सारी बातें हम आने वाले समय में लगातार करते चलेंगे। कई बार मैं आपके सामने टेस्ट प्रैक्टिस और सेट्स भी लाऊंगा, उसको भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा। और लगातार हमसे जुड़े रहिए जिससे आपका साइको जो टेस्ट है वो काफी अच्छे से हो सके। अब जानते हैं किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना और क्या नहीं करना है जब आपका एग्जाम होने वाला हो। अब जान लेते हैं किस तरीके से आप अच्छे नंबर यहाँ पर पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है कि आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही एकाग्र मन से करें, एकाग्रता का ध्यान रखें, एकाग्रता का ध्यान रखें, खान पान का भी ध्यान रखें। तामसिक भोजन से जब तक एग्जाम है हो नहीं रहा तब तक आप दूर रहें। अगर आप नॉनवेज बहुत खाते हैं या प्याज मसाला यूज करते हैं थोड़ा सा उन्हें कम करें, क्योंकि एकाग्रता जो है वो भंग होती है जब आप तामसिक तरह का आप भोजन करते हैं। देन रात में जागने की प्रवृत्ति जो है उसको छोड़ दें। जो चौथा है वो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप लगातार अपने आप को किसी एनर्जेटिक काम में बिजी रखें। अगर आप जैसे खाली आप पढ़ाई आप अभ्यास करके उठे उसके बाद आप कोई ऐसी चीजें टहलाए घूम आए तो थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है उसे करते रहिए। आप योग करिए कुछ समय के लिए।
आप प्राणायाम भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो प्राणायाम जो है उसे आप ट्राई करिए, जिससे आपका जो श्वास है वो आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर एग्जाम में एक आध दो टेस्ट बैटरी जो है वो थोड़ी सी आपकी अच्छी नहीं होती, तो आप प्राणायाम के थ्रू वहां पे अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि रात में नहीं जागना, ये सबसे बड़ी चीज है, रात में नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो दिन में होगा, रात में आपको नहीं जागना है किसी भी तरीके से। तो अब जब एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम का डेट आ गया, तो क्या करना है, एग्जाम से पहले रात भर नहीं जागे और अच्छी नींद जो है उसको लें, और सुबह सही समय पर उठें और अपने सेंटर पे पहुंचे, जिससे आपको बहुत दौड़ दौड़ी ना करने पड़े, क्योंकि तो जितना ज्यादा आप दौड़ेंगे भागेंगे आपकी एकाग्रता उतनी भंग होगी एग्जाम टाइम के समय। अब जब आप अपने सेंटर में घुस गए, अब आप क्या करें, तो जो भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको निर्देश दे रहा है उसे सही तरीके से सुन लें, जो वो कह रहा है वही काम आपको यहाँ करना है। अगर आपको डाउट है तो इजिली आप वहां पर पूछेंगे, सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, जैसे आप दोबारा हमको इलेबरेट कर दें। देन जैसे ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को टिक करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी एकाग्रता का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से दाएं बाएं तरफ आप जाके टिक नहीं मार दें कि अरे जल्दी जल्दी हम करना है। आराम से धैर्य पूर्वक देख के समझ के करिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर कार्य जो है वो प्रिसाइज भी है और फास्ट भी है, तो आपको कार्य जल्दी और सही, ये दो चीजों को ध्यान रखना है, जल्दी करना है और सही करना है। दैट मीन्स प्रिसाइज और फास्ट, ये दोनों काम एक साथ करने हैं आपको, कि आपके पास टाइम जो है बहुत कम रहता है। और गोल्डन रूल फॉलो करें हमेशा एग्जाम का, कि जो क्वेश्चन टफ है उसे छोड़ दें। तो ये गोल्डन रूल अगर आप याद रखेंगे, कि गोल्डन जो आपका रूल है कि कठिन सवालों पर समय नष्ट ना करें, इसे आप ध्यान रखें, ये गोल्डन रूल अगर आप ध्यान रखें तो आप कभी नहीं फंसने वाले। और सबसे जो जरूरी चीज है, अपने पड़ोसी वाले साथी का तो बिल्कुल बिल्कुल देखे ही नहीं, ना उससे पूछे। जब एग्जामिनेशन हो जाए आपका पांच टेस्ट बैटरी, उसके बाद जो मर्जी आए करें, लेकिन जब तक आप पांच टेस्ट बैटरी नहीं दे रहे तब तक अपने पड़ोसी से तो बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी ही है। लेकिन एग्जाम के बाद दुश्मन ही छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका वो दुश्मन हो गया, जंग लेके तैयारी लेके आप चालू हो गए लड़ाई करना, नहीं। बस वो पांच जब तक आपके सेट नहीं हो रहे तब तक आप उनसे बात मत करिए, देन चाहे जो करना है वो करिए। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात वो मैंने अभी के लिए बचा के रखी थी, वो है कि अत्यधिक प्रयास से बचें, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। बहुत ज्यादा करेंगे तो दिमाग जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छी एकाग्रता नहीं कर सकते। तो आराम से धैर्य पूर्वक करें, बहुत टाइम है, परेशान नहीं हो। और मेरा जो गुड विश है वो हमेशा आपके साथ है, उसे आप रखे रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, जिससे आपको काफी नई चीजें जो है वो जानने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो में हमने बात करी रेलवे एएलपी साइको का, क्या है पैटर्न और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको हर एक टेस्ट बैटरी को पास करना है, उसके ट्रिक्स क्या हैं और टिप्स क्या हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों के पास भी जानकारी पहुंच सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।